दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है और इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को पढ़ने जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। दोस्तों, वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान स्नान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या सरोवर में नहाने के बाद अगर आप पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, और अगर इस दिन सिर्फ आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान लीजिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह ऐसा उपाय है जो अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाए तो आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में हर प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देता है जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उपाय अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाए और उसमें धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का तुरंत ही पलट करके एक व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, धनतेरस की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होती है, उसमें एक मुट्ठी धनिया का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। यहां तक कि धनतेरस में लोग धनिया खरीद करके लाते हैं और पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है अगर ऐसा किया जाए तो एक व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और कार्तिक पूर्णिमा में माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे जैसा तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन नहीं आता है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो गया है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन नहीं टिक सकता है। शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आपने छोटा सा वो उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे, तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपको सिर्फ यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है और घर के उस पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसा चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। सिर्फ आपको इतना करना है और फिर आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ लेना है।
आपको इस पोटली को ले जाकर के अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में भी आप ज्यादा समय बिताते हैं। यह उपाय अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपकी हर उस शुक्र दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, और इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा जिसके बाद आप जो भी धन संबंधित निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक ऐसा प्राचीन काल के समय का महा उपाय जो आपको प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को करना चाहिए। अगली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको बस धनिया को बदल देना है और इस चांदी के सिक्के का इस्तेमाल वापस से करना है और पुरानी धनिया को किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। यही उपाय प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को अगर आप करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं इस कार्तिक पूर्णिमा के बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय बस आपको सही मुहूर्त पर करना है और इस उपाय को करने की तुरंत बाद ही मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को जरूर करते हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि कार्तिक पूर्णिमा की सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है और लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपके घर की पूजा घर पर आपको बैठना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र या प्रतिमा रखी हो यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीज रखनी है जैसे 4 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 3 कपूर। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम्मा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम्मा। अब इस पोटली को ले जाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ यह उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। का यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी जिसके चलते आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस उपाय को कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। और अगर आप इन दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो बस अपने घर पर 11 रोटियां बनवा दीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यही रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान विष्णु जी के सबसे बड़े स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे, और यह उपाय करने के बाद कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा।